विश्व बैंक के मुताबिक भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले एक साल में कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद उल्लेखनीय उछाल देखने को मिला है। विश्व बैंक ने ताजा रिपोर्ट में भविष्यवाणी की है कि वित्तीय वर्ष में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.5 और 12.5 की फीसदी तक रह सकती है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक स्प्रिंग बैठक से पहले जारी अपनी साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी आने से पहले से ही अर्थव्यवस्था धीमी थी। इसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017 में 8.3% पहुंचने के बाद वित्तीय वर्ष 2020 में विकास दर घटकर 4.0% पर पहुंच गई थी। दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हंस टिमर ने बताया, यह आश्चर्यजनक है कि भारत एक साल पहले की तुलना में कितना आगे आ गया है। यदि आप एक साल पहले की सोचते हैं तो अभूतपूर्व गिरावट थी। वैक्सीन को लेकर कोई स्पष्टता नहीं थी, बीमारी के बारे में बड़ी अनिश्चितता थी, और अब अगर आप इसकी तुलना करते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था में दोबारा उछाल देखने को मिल रहा है। टीकाकरण शुरू कर दिया गया है, वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी अग्रणी है। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।